अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सारे देश का, सारी दुनिया का स्वागत करता हूं। आइए कहते हैं वाह भाई वाह। कितनी खूबसूरत बात है, पिछोला झील का ये खूबसूरत किनारा, उस पे बना ये सदियों पुराना जगमंदिर, और इस जगमंदिर की खूबसूरती, ये रात, ये अट्टालिकाएं, ये आसमान, ये सितारे, ये समीर, ये पवन, और उस पे हिंदी कविताएं। मुझे बताइए, जिंदगी में अगर सबसे खूबसूरत शाम मांगी जाए तो इस खूबसूरत शाम के आगे सारी शाम फीकी होंगी। ये शाम कुछ ऐसी है जो शाम संवेदनाएं जागृत करती है, हृदय के तार झिंकृत कर देती है, मन से मनमंद संगीत फूटता है, लबों पे अचानक ही तबस्सुम आ जाता है, कोई खोया हुआ अचानक याद आ उठता है, लहरों के साथ मोहब्बत बहने लगती है, हवाएं स्मृतियों को झंझोड़ देती हैं, और हर दिल का कतरा कतरा कहता है वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद HRH ग्रुप ऑफ होटल्स, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे छोटे भाई श्री लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़कर, जिन्होंने सिटी पैलेस उदयपुर वाह भाई वाह के लिए बाहें फैला के खोल दिया कि आइए आपका स्वागत है। हमने यहाँ पूरा हफ्ता जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, ये दिवाली स्पेशल, ये उदयपुर स्पेशल, ये मेवाड़ स्पेशल, ये हंसी के लिए, ठहाकों के लिए, मुस्कुराहट के लिए। सूर्य कुमार पांडे, डॉक्टर विष्णु सक्सेना और विनोद पाल हमारे साथ हैं, जो आज की महफिल में चार चांद लगाएंगे। वैसे ये लगभग साढ़े तीन चांद तो है ही, एक संपूर्ण चांद है, एक चौदहवीं का चांद है, और एक चांद बादल के आगे छिपा है, मतलब बादल के पीछे छिपा है, लेकिन अगर ये बादल यानी कि टोपी हट जाए तो ये चांद भी लगभग यही चांद है। ये डॉक्टर विष्णु सक्सेना है। अच्छा, करवा चौथ का व्रत महिलाएं चांद देके तोड़ती हैं, तो डॉक्टर पांडे, मिसेस पांडे को तो छत पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो तो व्रत तोड़ देती होगी। लेकिन महिला है, जैसे एक पत्नी अपने पति से कह रही थी, सुनिए ना, तुम मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखोगे ना? अब हम सब जानते हैं वो व्रत महिलाएं अपने पतियों के लिए रखती हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा हुआ है ना कि सब साथ साथ कर लेते, अच्छी बात भी है, लेकिन पति कई विनोद पाल जैसे भी होते हैं, तो जैसे उसने कहा, सुनिए ना, तुम मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखोगे क्या? क्यों, मैं दारू पीने जाता हूँ तेरे को लेके जाता हूँ क्या? जब मैं तेरे को नहीं पूछता तो तू मुझे काहे पूछ रही है? है भाई, नहीं पूछना चाहिए? वैसे जिंदगी में सही जवाब दिया था, लोग सही जवाब देते हैं उसमें पिटाई भी हो सकती है। एक मेरा दोस्त है, उसके घर में चोर घुसा है और बंदूक लगाने का माल कहाँ है, वो बोला पड़ोस में, हंसते हंसते मारा था, पड़ोस में देखता था माल रोज। और पिछले दिनों पीटने से मुझे याद आया, एक बड़ा करुणा भरा संदेश मैंने देखा सोशल मीडिया पे, इससे ज्यादा मुझे करुणा कहीं महसूस नहीं हुई। संदेश था, एक लड़के ने लड़की बन के मुझसे फोन रिचार्ज करा लिया। ये तो सूचना थी, संदेश उसके आगे था, एक लड़के ने लड़की बन के मुझसे फोन रिचार्ज करा दिया, फिर हाथ दो जोड़े हुए इमोजी और उस पे संदेश लिखा था, पैसे वापस दे दे भाई, सब्जी के थे। अब जीवन में करुणा का अपना स्थान है, लेकिन करुणा जिंदगी में जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हंसी ठहाके और मोहब्बत। और आज का ये वातावरण, आज का ये माहौल मुस्कुराहट के लिए है, हंसी के लिए, ठहाकों के लिए, और तीन ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो सूर्य कुमार पांडे और डॉक्टर विष्णु सक्सेना, अपने अपने क्षेत्र के बड़े ही जाने पहचाने नाम है और विष्णु प्रेम के गीतकार है, इसलिए सिर्फ लगातार महिलाओं की ओर देख रहे हैं। और हम बढ़ते हैं आगे और आज की महफिल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूं उस युवा कवि को जिसने वाह भाई वाह के प्रथम 100 एपिसोड में आके एक अलग स्थान बनाया, और आज हमारे साथ है विनोद पाल, जोरदार तालियों के साथ।
आज भी दिल्ली और हरियाणा में जब लड़की की शादी के बाद अगले दिन सुबह जब विदाई होती है तो हमारे यहाँ पे आज भी ये रस्म रिवाज है कि लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। हाँ जी, बहुत सारे राज्यों में ऐसा ये बिल्कुल है, कई जगह पे होता है। तो एक दृश्य यहीं से लेता हूँ। लड़की का वजन है 150 किलो और सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। तो लड़की के पिताजी ने पहले आसपास के गांव के लड़कों के नाम लिए। बेटा संदेश जरा उठा दियो, संदेश तो बचपन से उसके संग इष्टापुर खेलता आ रहा है। संदेश को तो पता ही है, इष्टापुर पे कूद जाती थी तो इष्टापुर के 100 टुकड़े हो जाते थे। जैसे ही बोला, अरे बेटे संदेश, बेटा जरा उठा दियो। संदेश एकदम से, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने बोला जरा सा भी झुकूंगा ना तो पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है, रहने दे। बेटे जयंत, अच्छा जयंत उस 150 किलो वजन को देख के इतना घबरा के वो यही भूल गए मैं आदमी या औरत। बोले बेटे जयंत उठाइए तो जयंत, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक। अब एक 45 किलो का एक नौजवान बहुत पीछे से आ रहा है। सबसे पूछे, भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, शादी ब्याह में तो बोल ही देते हैं गांव के लोग, भाऊ जी मेरे लायक कोई। वो बेचारा किसी की रिश्तेदारी में आया हो तो उसे पता ही नहीं है वहां पे क्या चर्चा चल रही है। भाऊ जी मेरे लायक, ये पूछते पूछते वो लड़की के बाप तक आ गया। भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। इतने में एक बड़ा सा आदमी आया जो वहां का था, जो जानता था कि ये यहां का नहीं है, उसको समझाने की कोशिश करी। अरे बेटे यहां पे, अरे अंकल जी क्यों आ गए आप बीच में? मैं लड़की के पिताजी से बात कर रहा हूँ, बीच में आके बात कर रहे हो? मैं हेल्प करना चाहता हूँ अंकल जी, आप मुझे काम बताओ। कह रहे बेटे छुटकी को बस डोली वाली कार तक लेके जाना है। तो उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहाँ पे, कहा यहाँ। इसको क्या करना है अंकल जी? इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। छुटकी नहीं है तो मुटकी है। अरे नहीं बेटे, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर अगले ने फिर भी उसे उठा लिया। वो लड़की को लेके जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा रजा लेके आ, कह लेके आ मतलब? और अच्छे नहीं, लेके आके मतलब क्या होता है? यहाँ आधे रास्ते तक तो लिया था, बस यहीं पे लिया, ज्यादा दूर नहीं लगा। कह रहा दोबारा से उठा। अब उसने से दोबारा उठाया। वो लड़की के लेके थोड़ा सा बड़ा था। इतने में उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी और उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था और हाथ रख के बोले देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो और देवर को बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो आगे बढ़ा तो लड़की का बाप, हो मेरी भूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका ही खून सूख गया। अरे कौन सी बच्ची? फूल सी। साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। के खिला दो लाड़ लाड़ में पापा की परी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी शैलेश जी, उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े। और उसकी पत्नी दूसरे, आज ना बचे ये। से उसकी नजर अपनी पत्नी और बेटे की तरफ चल गई। पत्नी से बोल, कौशल्या रो क्यों रही है? अब कौशल्या, या तो आज यो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगा, होना के है। अब उसका दिमाग देखना, बोला अगर अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को शैलेश जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो शिमारो प्रोडक्शन में लगवा देंगे। पत्नी बोली, और ना लगवा पाए तो कोई बात ना, सैलो के पेन बेच लेगा। आगे बढ़ा
थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इतने में उस लड़की का छोटा भाई आ गया। क्या बात होगी दीदी, आप हमेशा मेरे से मेरा लैपटॉप मांगती थी ना, तो गाड़ी में जाके धर देना। नहीं दीदी के हाथ में दूंगा, अबे ये तो बहुत भारी है। नहीं दीदी के हाथ में, यानी कि जिस कंधे पे पहले से 150 था, फिर 25 किलो बहन ने रख दिया, फिर 2 किलो भाई ने। थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस लड़की की बुआ आ गई और बुआ जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ के वहीं पे रोने लग गई। मेरी बेटी है मैं ना ले जान दूंगी, मेरी बेटी है मैं ना ले जान। बोला देख जिसने तुम्हारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैं यही मर जाऊंगी। बोला देखिए हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर की ना। सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। इतने में पंडित जी बोले करे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को छोड़ने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। बोला मां मृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इतने में तो फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा साड़ो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी 1945 में जो पैदा हुई, भैया क्या कह रही है यू? कह रहे भैया बुजुर्ग औरत है सांस फूल रही है। कह रहा साड़ो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक लाइन बोलकर लड़की विदा कर देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल जल्दी सफर करके जल्दी से दरवाजा खोल कर, अंकल जी योग गाड़ी नहीं है 10 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 10वीं गाड़ी तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल, उसका ड्राइवर अंकल जी भाई जल्दी बोल दे अंकल जी वो मजाक कर रहा है, वही गाड़ी थी। उसने बोला जल्दी से दरवाजा खोल, ड्राइवर अंकल जी ये ना दरवाजा नहीं खोलता, वहां से घुमा के ले जाओगे? अच्छा ठीक है। तो वहां से घुमा के ले जाने लगे तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कर क्यों क्या हो गया? कर अंकल जी यहां से गाय आ रही है। वो बोले बेटा गाय ना बोल, यहां से भैंस आ रही है। अगले ने जैसी डोली में लड़की बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर, लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? भाई ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई और जेसीबी पे विदा हुई। जैसे ही जेसीबी पे विदा हुई, लड़की के बाप ने बोला रे अभी चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गांव का एक चक्कर काट के फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा। थैंक यू विनोद। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विनोद को बहुत बरसों पहले छुपा रुस्तम के तौर पे मैंने खोजा था और विनोद ने बेहद तरक्की की है। मेरी खोज से लेकर आज तक विनोद की कविता में जो नाट्य है, जो अभिनव है, वो अद्भुत है और मैं इसका प्रयोग जानता हूँ। यह बहुत आसान नहीं होता और जिस तरह से आप नाट्य का प्रयोग करते हैं वो अद्भुत है। प्रदीप चौबे जी अपनी कविताओं में नाट्य का प्रयोग करते थे, अशोक चक्रधर जी उनकी कविताओं के अंदर जो उतार चढ़ाव पॉज है वो नाट्य का प्रयोग करते हैं, संजय झाला अपनी कविताओं के अंदर नाट्य का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान नहीं होता और आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। विनोद पाल का स्वागत करते हैं और आइए बुलाते हैं उन्हें जो लड़की के दादा हैं। वो लड़की के दादा है लेकिन अभी भी उनके दिल में मोहब्बत काफी ज्यादा है। वो जो बैठे हैं बीच में मुस्कुरा रहे हैं, लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं सूर्य कुमार पांडे, जोरदार तालियों के साथ। उम्र पे मत जाइए जी, अभी वैसा ही नटखट हूँ, अभी वैसा ही हूँ चुलबुल, ओहो कि मुझसे चोंच अब भी लड़ाती हैं तोता और बुलबुल। आज का प्यार, आज के मोहब्बत, ये ढाई आखर का प्रेम अब सिकुड़ के दो अक्षरों में आ गया। अच्छा, जिसको कहते हैं लव। तब मैंने लिखा कि है लव कहने में छोटा सा मगर यह ह्यूज होता है। ह्यूज, वाह। ये सब में प्यार बराबर बांटता हूँ जी।
है लव कहने में छोटा सा मगर यह ह्यूज होता है और अगर हो जाए तो बस्ती की ब्रेकिंग न्यूज होता है। अगर हो जाए तो बस्ती की ब्रेकिंग न्यूज होता है, जो इसके व्यूज में फंसता वही ये ब्यूज होता है, कभी यह फ्यूज होता है कभी कंफ्यूज होता है। मैं इस फंगस से वाकिफ हूँ और इसके रस से वाकिफ हूँ, मैं हूँ आशिक पुराना इश्क की नस नस से वाकिफ हूँ, मैं हूँ आशिक पुराना इश्क की नस नस से वाकिफ हूँ, और जिससे होता लव फीवर मैं उस वायरस से वाकिफ हूँ। जिससे होता लव फीवर मैं उस वायरस से वाकिफ हूँ। और सुनिएगा कि ध्वस्त पल में हवाई किले हो गए, व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए, वो किसी और के संग फुर हो गई, आने में 10 मिनट हम डिले हो गए। हाय हाय, वो किसी और के संग फुर हो गई। अरे जितनी भी रही सबको ही स्वीकार्य रहा हूँ। अच्छा, जितनी भी रही सबको ही स्वीकार्य रहा हूँ, क्वेश्चन में प्रेम पत्र का अनिवार्य रहा हूँ, और जिस स्कूल की केजी में अभी पढ़ रहे हो आप, 10 साल मैं उस स्कूल का प्राचार्य रहा हूँ। 10 साल मैं उस स्कूल का प्राचार्य रहा हूँ। और बहुत टेंशन है यार लाइफ में, दर्द के इन 1000 घंटों में हास्य का एक पल जरूरी है। बहुत टेंशन है यार लाइफ में, इसमें थोड़ी चुहल जरूरी है। वाह, इसमें थोड़ी चुहल जरूरी है, इसलिए चुहल के लिए 4 पंक्तियाँ। जूता घिस जाने पर तल्ली मिलती है, तेल निकल जाने पर खल्ली मिलती है, और गलती से भी नजर किसी से मिल जाए, हम बूढ़ों को बहुत तसल्ली मिलती है। गलती से भी नजर किसी से मिल जाए, हम बूढ़ों को बहुत तसल्ली मिलती है। आ हा हा, कितने सात्विक बूढ़े हैं देश के। बेटा खुश रहो, खूब खुश रहो बेटा। ये ऐसे बूढ़े मैंने बहुत देखे है ना। अरे बेटा बहुत खुश, बड़ा आशीर्वाद जो होता है वो ठीक नहीं होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि 10 साल तक उस स्कूल के ये प्राचार्य रहे हैं, तो ये वो प्राचार्य हैं कि 2 पंक्तियां कह सकता हूं कि 9 साल तक इस प्राचार्य को कई प्यार हो गए, जिस लव के स्कूल के प्राचार्य रहे, कि 9 साल तक इन प्राचार्य को कई प्यार हो गए, और 10वें साल उसी स्कूल की टीचर के साथ फरार हो गए। और यहां है सूर्य कुमार पांडे। के जल सी ठहरी है एक जिंदगी, आहा, आप ही छू के लहरें उठा दीजिए, झील के जल सी ठहरी है ये जिंदगी, आप ही छू के लहरें उठा दीजिए, मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली इधर भी मना लीजिए, शैलेश भाई। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बदनसीब होते हैं, एक खुश नसीब होते हैं। बदनसीब वो होते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। खुश नसीब वो होते हैं जिनके सपने संवर जाते हैं। और आज मैं उन खुश नसीबों में हूँ
जिसके सपने साकार हुए। उदयपुर से मेरा रिश्ता लगभग 35 वर्ष पुराना है, जब मैं यहां पढ़ता था। पिछोला के उस किनारे पे बैठ के हसरत भरी निगाहों से देखता था इस जग मंदिर को भी, जगनिवास होटल को भी और इस महल की दीवारों को भी। एक सामान्य परिवार से आया हुआ लड़का था उस समय, यहां पढ़ता था मैं। मेरी हैसियत नहीं थी इन दीवारों को छूने की, बस सोचता था कि कब ईश्वर ऐसा मौका दिलाएगा कि अंदर जा पाऊंगा। और आज मैं बहुत भावुक हूं कि शैमा रोटी भी और भाई शैलेश की को माध्यम बनाया माँ सरस्वती ने, और मुझे वहां से उस किनारे से इस किनारे ले आए, अंदर तक ले आए। था ये बात कहने का, मुझे चिंता नहीं थी भले ये एडिट हो जाए, लेकिन दिल हल्का हो गया मेरा। झील के जल सी ठहरी है ये जिंदगी, आप ही छूके लहरें उठा दीजिए। मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली इधर भी मना लीजिए। लखन भाई, आपके सुर बड़ा सहारा देते हैं हमको। झील के जल सी ठहरी है एक जिंदगी, आप ही छूके लहरें उठा दीजिए। मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली यहाँ भी मना लीजिए। तुमने जुल्फे सवारी सवेरा हुआ, तुमने जुल्फे सवारी सवेरा हुआ, और बिखेरो यहां रात हो जाएगी। क्या बात है, चाहे मुंह फेर कर यूं ही बैठे रहो, फिर भी तुमसे मेरी मुद्दतों से ये सूरज नहीं धर आ सका। क्या बात है, मुद्दतों से न सूरज इधर आ सका, दूरियों की घटाएं घटा दीजिए। मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली इधर भी मना लीजिए। झील के जल सी ठहरी है एक जिंदगी, आप ही छूके लहरें उठा लीजिए। जाने चंदा तेरूठी है क्यों चांदनी, क्या बात है डॉक्टर। जाने चंदा तेरूठी है क्यों चांदनी, नींद भी रूठी बैठी मेरी आंख से। रूठी रूठी लहर आज तट से लगे, फिर भी रूठा भमरा कमल पाख से। क्या बात है, मन तुम्हारा भी दर्पण सा हो जाएगा। क्या बात है,
मन तुम्हारा भी दर्पण सा हो जाएगा, धूल इस पर लगी जो हटा दीजिए, मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली इधर भी मना लीजिए, झील के जल सी ठहरी है एक जिंदगी, आप ही छूके लहरें उठा दीजिए। क्या बात है, जब भी नजरों को देखा तो ऐसा लगा, हाय हाय, जब भी नजरों को देखा तो ऐसा लगा, जब भी आंखों में झांका घटाएं दिखी, अब तो बरसेंगी ये सोचने मन लगा। क्या बात है, जब भी आंखों में झांका घटाएं दिखी, अब तो बरसेंगी ये सोचने मन लगा, तन झुलसता रहा पर न बारिश हुई, प्यासा प्यासा सा हर बार सावन रहा। क्या बात है डॉक्टर, तन झुलसता प्यासा प्यासा हर बार सावन रहा। शैलेश भाई आपको सौंपता हूं। क्या बात डॉक्टर, स्वाति की ना सही बूंद आंसू की दे, स्वाति की ना सही बूंद आंसू की दे, प्यास जातक की कुछ तो बुझा दे। क्या बात है, ना सही बूंद आंसू की दे, प्यास जातक की कुछ तो बुझा दीजिए, मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली यहाँ भी मना लीजिए, झील के जल सी ठहरी है एक जिंदगी, आप ही झुके लहरें उठा दीजिए, आप ही झुके लहरें उठा दीजिए, आप ही झुके लहरें उठा दीजिए, मेरे घर में अंधेरों का मेला लगा, एक दिवाली इधर भी मना लीजिए, झील के जल जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस एपिसोड के अंत में ऐसा कुछ होगा कि आप भूलेंगे नहीं। ये एपिसोड मैं भी कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए नहीं भूलूंगा, ये मोहब्बत के गीत, मोहब्बत के नगमे, ये तो हमारे दिलों में हमेशा गूंजते ही रहते हैं, लेकिन वो आंसू जो एक सच्ची आंख से निकल के आए, इन आंसुओं के लिए हमेशा ये एपिसोड याद रहेगा। यही जिंदगी है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो एक साधारण परिवार से निकले, शैलेश लोढ़ा जो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकला, अभावों में पला हुआ ये लड़का जो गांव में रहा, हमारी हिम्मत नहीं होती थी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख के, हम सोच नहीं सकते थे कि हम इन्हें कभी छुएंगे भी, इनके भीतर जाएंगे भी ली। लेकिन आज ये हिंदी कविता की ताकत है और हिंदी कविता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, और सिर्फ खड़े ही नहीं है, सारे देश और दुनिया का प्यार पा रहे हैं, और इसलिए मैं हृदय की अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ HRH ग्रुप ऑफ होटल्स का, जिन्होंने जगमंदिर जैसी खूबसूरत ऐतिहासिक जगह, हमें ये अनमोल जगह, इसकी कीमत नहीं दी जा सकती, उन्हें हमें यूं ही सौंप दी। उन्होंने कहा कि शैलेश भाई आप हमारा परिवार हो, और इस परिवार के किसी सदस्य के लिए जो हिंदी कविता के लिए काम कर रहा हो, हमारा दिल खुला है, हमारा हृदय खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, मेरे सखा श्री लक्षा सिंह बेवाड़ का, और मैं क्या कहूँ, ये अट्टालिकाएँ, ये प्रासाद, ये भवन, ये झील, ये खूबसूरती, और यकीन मानिए यहाँ जो यादें बनी हैं वो जिंदगी भर के लिए है। जाते जाते
मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना की ही दो पंक्तियां कह के विदा लेना चाहता हूँ। इन भवनों के बीच में, इस ऐतिहासिक जगह के बीच में डॉक्टर विष्णु ने कहीं लिखा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा,